खान की बेटी सारा ने अपनी पहली फिल्म केदारनाथ के टीजर से ही हंगामा मचा दिया है। अपनी अदाओं से तो उन्होंने घायल किया ही, साथ ही हर कोई उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद कर रहा है। टीजर में भले ही कोई डायलॉग ना दिखाया गया हो, लेकिन फिर भी उनके एक्सप्रेशन आपको उनसे प्यार करने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं फैंस उनकी जमकर तारीफ करने में लगे हुए हैं। जब से इस फिल्म का टीजर सामने आया है, तभी से ट्विटर पर हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांधने में लगा हुआ है। सारा का सीधा कंपैरिजन किया जा रहा है श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर से। जी हाँ, जहाँ जाह्नवी ने अपनी पहली ही फिल्म धड़क में किसिंग सीन दिया था, वहीं सारा ने भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिप लॉक किया है। लोगों का मानना है कि जहां सारा ने बिना कुछ किए ही अभी से ही अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा दी है, वहीं जाह्नवी फिल्म के रिलीज के बाद भी कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाई। आइए दिखाते हैं आपको कुछ ट्वीट। विदाउट अ वर्ड सारा शोड हर एक्टिंग स्किल्स केदारनाथ टीजर एंड जाह्नवी कपूर धड़क। और एग्जैक्टली लुक्स लाइक हर मॉम एंड आई लव्ड इट, वाज इम्प्रेसिव एंड सारा अली खान इज मच मच बेटर देन जाह्नवी कपूर। While seeing the Kedarnath teaser, it reminded me of Titanic, the same devastated water, love, emotion and all, just loved it. Sushant Singh Rajput and Sara Ali Khan from. So finally the teaser is out and it just looks so promising and they really made a good pair to each other. They look adorable. She's gonna win us over, born to act, Sara Ali Khan, Kedarnath teaser. तो देखा ना आपने भी, सारा आती ही छा गई हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने तो उन्हें अभी से ही जाह्नवी से बेस्ट बता दिया है। वैसे आपको बता दें, सारा की ये फिल्म एक लव स्टोरी है जो उत्तराखंड में आए बाढ़ के बैकग्राउंड पर बनी है। इस फिल्म को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया है जो इस साल 7 दिसंबर को रिलीज होगी। वहीं अगर बात की जाए इन दोनों एक्ट्रेसेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो सारा केदारनाथ के बाद हमें रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सिम्बा में नजर आने वाली है, जिसमें उनके ऑपोजिट रणवीर सिंह नजर आएंगे। वहीं अगर जाह्नवी की बात की जाए तो वो करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म तख्त में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, भूमि पडनेकर, विकी कौशल, आलिया भट्ट और अनिल कपूर जैसे स्टार्स नजर आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, सारा अली खान बेस्ट है या फिर जाह्नवी कपूर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।